हम अपनी इस आराधना को शुरू करेंगे। प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, सारा आदर सारी महिमा तुझे देते हैं, तेरे बड़े नाम को धन्य कहते हैं, क्योंकि तू भला है, विश्वास योग्य परमेश्वर है। और धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर सुबह के लिए जो तूने हमें दिया। एक बार फिर हम तेरे चरणों पर इकट्ठा होकर तेरी इबादत कर सकें, तेरी महिमा तेरी स्तुति कर सकें और तेरे वचन को सीख सकें। और इस समय प्यारे प्रभु, जबकि हम तेरे चरणों पर बैठे हैं, विनती किया चाहते हैं कि तू हमारे गुनाहों को माफ कर, हमें पवित्र कर। और होने दे पिता, ये आराधना आत्मा और सच्चाई से हो जो तुझे पसंद आए और तू इसे कबूल करे, मसीह यीशु के नाम में, आमीन। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। हम परमेश्वर की स्तुति में गीत गाएंगे, गीत नंबर तीन। इस गीत को हम खड़े होकर गाएंगे। कलीसिया खड़ी रहे। अपने ईमान का इकरार करते हुए हम रसूलों का अकीदा साथ साथ बोलेंगे। हम साथ साथ बोलें, मैं की काद रखता हूं खुदा कादरे मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावन यीशु मसीह पर, कि वो रोल को दोष से मुजस्म होकर कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पेंतियुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, सलीब पर खींचा गया, मर गया और दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा बाप कादर मुतलक के दाहिने हाथ बैठा है, जहां से वो जिंदों और मुर्दों का इंसाफ करने आएगा। मैं की काद रखता हूं रोल को दोष पर, पाक कलीसियाए आम पर, मुकद्दसों की रिफाकत, गुनाहों की माफी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की जिंदगी पर, आमीन। तशरीफ रखें।
परमेश्वर के वचन से हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण उसका 12वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत और 28वीं आयत। व्यवस्था विवरण 12, 8 और 28। परमेश्वर का वचन यूं कहता है, जैसे हम आजकल यहां जो काम जिसको भाता है वही करते हैं, वैसा तुम ना करना। 28वां पद, इन बातों को जिनकी आज्ञा मैं तुझे सुनाता हूं चित्त लगाकर सुन, कि जब तू वो काम करे जो तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में भला और ठीक है, तब तेरा और तेरे बाद तेरे वंश का भी सदा भला होता रहेगा। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर बरकत दे। शादी की सूचना है और ये सभी सूचना अंडर द क्रिश्चियन मैरिज लॉ एक्ट 15 सेक्शन 62 ऑफ द ईयर 1872 रूल 10 के मुताबिक है। लेट मिस्टर नोबलेट जुपिटर रॉबिन्सन और मिसेस शारदा रॉबिन्सन की बेटी ज्योति रॉबिन्सन, जो कि स्पिंस्टर हैं और एलएलजीएम मेथोडिस्ट चर्च की सदस्य हैं, इनकी शादी मिस्टर इमैनुअल अवेज भट्टी और लेट मिसेस स्वीटी भट्टी के बेटे नितेश जॉन भट्टी, जो कि बैचलर हैं और हाउस ऑफ प्रेयर चर्च लखनऊ के सदस्य हैं, इनकी शादी लिजी लॉरा जॉनसन मेमोरियल मेथोडिस्ट चर्च सिविल लाइंस कानपुर में 5 अक्टूबर सन 2020 दोपहर 1 बजे होना निश्चित हुआ है। यह शादी की पहली सूचना आज 20 सितंबर सन 2020 को कलीसिया को दी जाती है। मिसेस क्वीनी डैनियल और लेट मिस्टर ऑल्बन डैनियल की बेटी मिस अमृता डैनियल, जो कि स्पिंस्टर हैं और एलएलजीएम मेथोडिस्ट चर्च की सदस्य हैं, इनकी शादी मिस्टर अक्षय पी प्रकाश और मिसेस बिपाशा प्रकाश के बेटे आशीष प्रकाश, जो कि बैचलर हैं और क्रिश्चियन चर्च धनपुरी के सदस्य हैं, इनकी शादी लिजी लॉरा जॉनसन मेमोरियल मेथोडिस्ट चर्च सिविल लाइंस कानपुर में 1 अक्टूबर सन 2020 शाम 4:30 बजे होना निश्चित हुआ है। यह शादी की दूसरी सूचना आज 20 सितंबर सन 2020 को कलीसिया को दी जाती है। यदि आप में से कोई ऐसा कारण जानता है जिससे कि ये शादियां नहीं हो सकती, तो प्रमाण के साथ लिखित रूप में अपने पासबान को सूचित करें। इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन को सुने जो आज परमेश्वर हमें देना चाहता है, हम उसकी आराधना स्तुति करेंगे, अपने आप को तैयार करेंगे परमेश्वर के वचन के लिए। और मैं गुजारिश करूंगा भाई मनीष विल्सन से कि वो चंद कोरसेस में हमारी अगुवाई करें। कलीसिया खड़ी हो जाए।
हालेलुया स्तुति गाएं हम यीशु की स्तुति गाएं हम हालेलुया स्तुति गाएं हम यीशु की स्तुति गाएं हम अपना लहू बहाया क्रूस पे बलि द्वारा अपना लहू बहाया आपको हटा कर साफ है किया हमको बचा लिया आपको हटा कर साफ है किया हमको बचा लिया हालेलुया स्तुति गाए हम यीशु की स्तुति गाए हम हालेलुया स्तुति गाए हम यीशु की स्तुति गाए हम हालेलुया 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 इस जीवन भर में सदा तुझको प्यार करूँगा इस जीवन भर में सदा तुझको ध्यान करूँगा तेरी रखा पाके तेरी इच्छा जान के आगे को बढ़ता रहूँगा तेरी रखा पाके तेरी इच्छा जान के आगे को बढ़ता रहूँगा हालेलुया स्तुति गाए हम यीशु की स्तुति गाए हम हालेलुया स्तुति गाए हम यीशु की स्तुति गाए हम हालेलुया 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 यीशु के पास आओ हर मूर्ति को अपनाओ यीशु के पास आओ हर मूर्ति को अपनाओ आशीष देगा साथ अपनेगा कभी नहीं छोड़ेगा आशीष देगा साथ अपनेगा कभी नहीं छोड़ेगा हालेलुया स्तुति गाए हम यीशु की स्तुति गाए हम हालेलुया स्तुति गाए हम यीशु की स्तुति गाए हम हालेलुया 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 स्तुति गाए हम की स्तुति गाए हम हालेलुया स्तुति गाए हम यीशु की स्तुति गाए हम हालेलुया 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 हालेलुया
प्रार्थना करें। एक बार फिर प्यारे प्रभु, तू अपने बंदे को अपनी सलीब के पीछे कर और होने दे कि इस समय तू ही हमारे बीच में ऊंचा किया जाए कि हम में से हर एक को अपने कदमों के पास खींच ले। तू हमसे बोल, हमसे बातें कर और होने दे कि तेरी मीठी और धीमी आवाज हमारे कानों में गूंजे और तेरा पैगाम हमारे दिलों को छुए। आमीन। इस दुनिया में हमेशा यह खौफ रहता है कि क्या हम
परमेश्वर की इच्छा पूरी कर रहे हैं या हम अपनी इच्छा पूरी कर रहे हैं। और कई बार 90% लोगों को ये मालूम ही नहीं होता कि परमेश्वर की इच्छा, वो अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा पूरी कर रहे हैं या अपनी, या फिर परमेश्वर की इच्छा को जानते ही नहीं, सिर्फ अपनी इच्छा पूरी कर रहे हैं। इससे पहले कि इसराइली यर्दन के पार कनान देश में जाएं, परमेश्वर उनसे ये कहता है कि जब तुम उस देश में जाओ जो प्रतिज्ञा का देश है, जिसमें आजादी है, जिसमें विजय है, जब तुम उस प्रतिज्ञा के देश में जाओ, तो वो कहता है 8वें पद में, जैसा हम आजकल यहां जो काम जिनको भाता है वही करते हैं, वैसा तुम ना करना। मतलब यह है कि वो दूसरे शब्दों में ये कह रहा है कि तुम अपनी इच्छा पर मत चलना, तुम अपनी मर्जी पूरी मत करना। जैसा हम ले व्यवस्था और व्यवस्था विवरण गिनती की पुस्तक में भी पढ़ते हैं विश्राम वार के लिए, कि विश्राम के दिन यदि तू अपनी इच्छा पूरी ना करे, अपनी मर्जी पर ना चले, मेरे अजीजों, परमेश्वर वही चाहता है कि हम विश्राम के दिन, परमेश्वर के दिन, संडे के दिन हम अपनी मर्जी पूरी ना करें, अपनी इच्छा पर ना चलें, पर परमेश्वर की इच्छा पर चलें। और 8वें पद में वो यहां यही बात कहता है, जैसा हम आजकल यहां जो काम जिनको भाता है वही करते हैं, वैसा तुम ना करना। न्यायियों की पुस्तक में हम इसका उदाहरण देखते हैं, जब इसराइली लोग बंधुवाई में गए, मुसीबत में पड़े, परेशानियों में पड़े, परमेश्वर की दुहाई दी कि परमेश्वर तू हमें बचा ले, परमेश्वर ने उनकी सुनी, परमेश्वर ने उनकी सुनी और उनको बचाया। जब उनको बचा लिया, जब वो आशीषमय समय में जीने लगे, मतलब यह है कि उनको आशीषें परमेश्वर की मिलने लगी, तो वो फिर परमेश्वर को भूल गए, फिर मूर्ति पूजा में लग गए, फिर दूसरे देवी देवताओं के उपासना में लग गए, परमेश्वर ने फिर उनको आगाह किया, उनको फिर दंड दिया। यह सिलसिला हम देखते हैं और यही बात आज हमारे जीवन में होती है। जब सब कुछ अच्छा चलता रहता है, हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। इसीलिए वो कहता है तुमने पहले जैसा प्रेम छोड़ दिया है। हम परमेश्वर को भूल जाते हैं, तकलीफों में पड़ जाते हैं, तब फिर परमेश्वर याद आता है, फिर परमेश्वर के पास जाते हैं और वो परमेश्वर इतना दयालु है कि वो हमें फिर से स्थापित करता है, फिर से हमें क्षमा करता है, फिर से हमें वो आशीषें देता है जो उसने ठहराई है। एक बहुत पुरानी कहावत है, Don't throw your old clothes because the fashion will return. अपने पुराने कपड़े फेंको मत, क्योंकि ये फैशन जो आज चला गया है ये फिर लौटेगा। हमारे यहां कहा जाता है history repeats itself. History जो है, इतिहास जो है, वो अपने आप को दोहराता है। और यही चीज हम अपने जीवन में देखते हैं। नू के समय में लिखा है, लोग उनको जो भाता था
उनको जो समझ में आता था वो करते थे। परमेश्वर की क्या इच्छा है इससे कोई मतलब नहीं, परमेश्वर क्या चाहता है इससे कोई मतलब नहीं। वो अपनी इच्छा पूरी करते थे, अपने तरीके से जीते थे, जैसे आज बहुत से जवान हैं जो अपने तरीके से जीना चाहते हैं। उनको बंदिश पसंद नहीं, उनके मन में जो आता है वो करते हैं। उनके मन में आता है कि वो पढ़ें वो पढ़ते हैं, उनके मन में नहीं आता कि वो नहीं पढ़े तो वो नहीं पढ़ते हैं। उनके मन में आता है कि वो समय जो वो पढ़ाई में लगाना चाहिए वो दूसरी जगह पे, पब्स में, क्लब में और दूसरे खेलों में और दोस्तों के साथ इधर उधर घूमने फिरने में वो लगा देते हैं। वो सब आज भी अपनी इच्छा के मुताबिक जीते हैं, जैसा नूह के समय में होता था। और मेरे अजीजों, आज हमारा ये परमेश्वर का ये वचन भी यही बात बता रहा है। जो नूह के समय में होता था वो आज भी हो रहा है। हम मॉडर्न जमाने से अब पार होकर पोस्ट मॉडर्न जमाने में आ रहे हैं। जब हम मॉडर्न जमाने में आए, साइंस ने हमें बहुत सी प्रतिज्ञाएं दी। साइंस से उन्नति हो सकती है, साइंस से ये तरक्की हो सकती है, साइंस बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन तरक्की कितनी हुई? और जो तरक्की हुई उसमें नुकसान कितना हुआ? आज हम एटम बम में है, इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स पे हैं, ये सब और भी हथियार हैं जो साइंस ने क्रिएट करे हैं या साइंस के द्वारा इंसान ने क्रिएट करे हैं, और ये सब इंसान के डिस्ट्रक्शन के लिए हैं, इंसान की बर्बादी के लिए हैं, इंसान को बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीके से मारने के लिए हैं। अभी ये कोरोना वायरस, हम पढ़ते हैं पेपरों में, पढ़े और टीवी पर भी देखा, चाइना से ये शुरुआत हुई। ऐसा दुश्मन जो दिखाई नहीं देता और ये हम पर अटैक करता चला जा रहा है। लाखों लोग मर गए और फिर भी ये कंट्रोल में नहीं है। जहां कम होता है थोड़े दिन बाद वहां फिर शुरू हो जाता है। कोई वैक्सीन नहीं है, ये है वही साइंटिफिक रिसर्च जो आज दुनिया के लोगों को मार रही है। और लोगों के पास ऐसा कोई साइंस नहीं अभी तक इजाद हुआ जो उसका एंटीडोट बना सके, उसकी वैक्सीन बना सके। सब कोशिश कर रहे हैं, ईश्वर करे जल्दी वैक्सीन बन जाए, लेकिन यह सच्चाई है जो आज हमारे आंखों के सामने है, जिसे हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं। मेरे अजीजों, आज इंसान अपनी मर्जी से जीना चाहता है, आज इंसान अपनी मर्जी से जीना चाहता है, अपनी मर्जी से चलना चाहता है। मॉडर्निज्म अपनी प्रतिज्ञाएं नहीं रख सका, उसकी प्रतिज्ञाएं फेल हो गईं। जो सपने उसने दिखाए थे वो फेल हो गए। आज तरह तरह की बीमारियां हैं,
साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, मनोवैज्ञानिक तरीके से इंसान परेशान है, डिप्रेशन में है, जो हमें मौत की तरफ ले जाती है। आज गैंग वॉर्स चलते हैं, टेररिज्म है, ये सिर्फ लोगों को या इंसानों को मौत देता है, सिर्फ मौत देता है। और इंसान की ये बात है कि वो उसके मन की अगर बात नहीं होती तो वो सुनना पसंद नहीं करता, वो ये समझता है कि जो कुछ उससे बोला जा रहा है वो गलत है, पर जो वो कर रहा है वो सही है। और इस तरह इंसान पाप के दलदल में इस तरह से धंसता चला जाता है कि अंत में उसे निकालने के लिए उसके उसमें से निकलने के लिए उसके पास कोई रास्ता नहीं होता। होशिया नबी ये कहता है कि उन्होंने आंधी बोई है, तूफान काटेंगे, आंधी बोई है, तूफान काटेंगे। मेरे अजीजों, आज हम जो पोस्ट मॉडर्न जमाने में जी रहे हैं, हम फैक्ट्स पर नहीं जीते, सच्चाई पर नहीं जीते, हम जीते हैं अपनी फीलिंग्स पर, अपनी भावनाओं पर। हमारी भावनाओं में जो अच्छा लगता है वो हम करते हैं, सही है गलत है इसकी चिंता नहीं करते, या इसके बारे में हम सोचते ही नहीं। आपने बहुतों को कहते सुना होगा, मुझे जब गुस्सा आता है ना तो मैं फिर अच्छा बुरा नहीं सोचता, मैं फिर बड़ा और छोटा नहीं सोचता, मैं फिर वो सारा आदर भूल जाता हूं, फिर मैं कुछ और ही हो जाता हूं। मतलब यह है कि इंसान अपनी फीलिंग्स, अपनी भावनाओं का गुलाम है, और जो कुछ उसकी भावनाओं में उसे मिलता है या आता है वो वैसा करता है। और वचन कहता है कि इंसान के मन से जो कुछ उत्पन्न होता है वो बुरा होता है, वो बुरा ही होता है। मेरे अजीजों, जब ऐसा होता है तो फिर जजमेंट होता है, फिर न्याय होता है, फिर परमेश्वर न्याय करता है, फिर परमेश्वर प्रेम भूल जाता है, क्योंकि वो राजगद्दी पर, वो न्याय सिंहासन पर बैठा है और उस समय वो सिर्फ न्याय करता है। मेरे अजीजों, ये वो जगह है जहां आज हमारा समाज खड़ा है। परमेश्वर के नियम जरूरी हैं, परमेश्वर के नियम जरूरी हैं, और आज के समय में ये बहुत ही जरूरी हैं, आज के समय में ये बहुत ही जरूरी हैं। सुलेमान जो बड़ा विद्वान था और उसको बहुत ज्ञान था, वो लिखता है जब धार्मिक लोग राज करते हैं या अधिकार में रहते हैं लोग आनंदित होते हैं, लोग आनंदित होते हैं, पर जब दुष्ट राज करते हैं लोग शोक मनाते हैं, दुखी होते हैं। और आगे वो कहता है कि धार्मिकता एक राष्ट्र को बढ़ाती है या धर्मी लोगों से राष्ट्र बढ़ता है। दाऊद अपने भजन में लिखता है
परमेश्वर के नियम परफेक्ट हैं, बिल्कुल सही हैं, जो इंसान को बदलते हैं, जो जिंदगियां बदलते हैं। परमेश्वर के नियम इसलिए हैं ताकि इंसान पाप ना करे, इंसान और ज्यादा पाप के दलदल में धंसे नहीं, पर उसमें से निकलकर एक नया इंसान बन जाए, एक ऐसा इंसान बन जाए जो बिल्कुल नई सृष्टि हो। जैसा हम कुरिन्थ की कलीसिया को लिखते हुए पौलुस को देखते हैं, वो कहता है कि अब जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, वो नई सृष्टि है। मेरे अजीजों, पौलुस कहता है कि जिनके संस्कार अच्छे हैं उनको फिर नियमों की जरूरत नहीं पड़ती, उनको नियमों की जरूरत नहीं पड़ती। 28वें पद में वो कहता है, इन बातों को जिनकी आज्ञा मैं तुझे सुनाता हूं चित लगाकर सुन, कि जब तू वो काम करे जो तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में भला और ठीक है, तब तेरा और तेरे बाद तेरे वंश का भी सदा भला होता रहे। ये प्रॉमिस, ये प्रतिज्ञा जो परमेश्वर करता है अपने लोगों से, या उनसे जो परमेश्वर की राह पर चलते हैं, जो धर्मी हैं, जो बुराई से दूर रहते हैं, भलाई करते हैं, अच्छाई करते हैं, जिन्होंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, पापों की क्षमा पाई है, मसीह के रास्ते पर चलते हैं। मेरे अजीजों, उनके लिए वो कहता है, प्रतिज्ञा है कि परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में भला और ठीक है, तब तेरा और तेरे बाद तेरे वंश का भी सदा भला होता रहे, तेरे बाद तेरे वंश का भी भला होता रहेगा। मतलब वो तेरी अच्छाई जो तू परमेश्वर के मार्ग पर चलेगा, वो अच्छाई जो तेरे अंदर होगी, वो धार्मिकता जो जिसमें तू बढ़ता जाएगा, वो कहता है कि वो तुझ पर असर करेगा और तेरे वंश पर असर करेगा। मतलब ये है कि वो आशीषें तुझ तक सीमित नहीं रहेंगी, वो आशीषें तुझ पर और तेरे वंश को भी वो मिलेंगी। यदि हम परमेश्वर के मार्ग पर चलते हैं, यदि हम अच्छाई और भलाई के रास्ते पर चलते हैं, यदि हमने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, तो वो आशीष हम पर ही नहीं उंडेलेगा, लेकिन हमारे वंश को भी वो आशीषें मिलेंगी। ऐसा भला परमेश्वर कहां मिलेगा अजीजों, कहां मिलेगा? परमेश्वर के नियम इसलिए हैं कि आपका जीवन अच्छा चले। परमेश्वर ने अपने नियम में एक भी अच्छाई को छिपाया नहीं है, सब इंसान के सामने रख दिया है। उसने एक भी अच्छाई अपनी छिपाई नहीं है कि नहीं, ये एक ऐसी अच्छाई है जो इंसान तुम्हें नहीं मिलेगी या तुम्हारे वंश को नहीं मिलेगी, ये अच्छाई जो है ये सिर्फ मेरे लिए है। या उसने ऐसा नहीं कहा कि ये कुछ अच्छाई है जो मेरे चेलों को मिलेगी, वो 12 चेले जो मेरे साथ रहे, जिन्होंने दुख तकलीफें उठाई मेरे इस दुनिया से जाने के बाद भी, स्वर्गारोहण के बाद भी, उन चेलों ने अपनी मौत मेरे लिए सही है, तो ये अच्छाई उनके लिए है। मेरे अजीजों, परमेश्वर ने कभी ऐसा नहीं किया।
कभी कोई अच्छाई उसने छिपाई नहीं, या उसने किसी कोई खास लोगों के लिए रखी नहीं, सब कुछ उजागर कर दिया और हम पर छोड़ दिया कि हम परमेश्वर के मार्ग पर चलें, हम यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें, हम अपने पापों की क्षमा यीशु से पालें। उसने वो चीजें हम पर छोड़ दी। और जैसा कि भविष्यवक्ता कहता है कि उसने तुम्हें वो सब बता दिया है जो अच्छा है, उसने कुछ नहीं छिपाया। हां, पर पाप से, बुराई से और उन बुरी बातों से, बुरे विचारों से, बुरे कामों से जिससे इंसान की हानि हो सकती है, उसको, उसके लिए उसने इंसान को चेता दिया, आगाह कर दिया कि देख ऐसा करने से ये बुराई होगी, ऐसा करने से ये तकलीफें आएंगी, इसलिए ऐसा मत करना। वो साफ इस बात को अपने वचन में बता देता है। आज हम अपने बच्चों के लिए और अपने पोते पोतियों के लिए, नाती पोतों के लिए कैसा संसार छोड़कर जा रहे हैं, कैसा संसार छोड़कर जा रहे हैं? क्या हम उनके लिए अच्छाई नहीं चाहते? क्या हम अपने बच्चों के लिए और उनके बच्चों के लिए अच्छाई नहीं चाहते, भलाई नहीं चाहते? एक ऐसी दुनिया जिसमें पाप ना हो, क्या ऐसी दुनिया नहीं चाहते? तो मेरे अजीजों, परमेश्वर यहां पर हमसे प्रतिज्ञा करता है कि तुम अगर मेरे रास्ते पर चलोगे, यदि तुमने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, यदि तुमने भलाई और अच्छाई का मार्ग लिया है, तो मैं तुम्हें आशीष दूंगा और तुम्हारे वंश को आशीष दूंगा। यह समाज कब तक बचा रहेगा? भजन संहिता 81, साम्स 81 उसके 11वें पद में वो कहता है, परंतु मेरी प्रजा ने मेरी ना सुनी, इसराइल ने मुझको ना चाहा। और जैसा मैंने शुरू में कहा कि इसराइलियों के जीवन में यही बात आई कि जब वो परेशानियों में पड़े रहे, उन्होंने परमेश्वर को पुकारा, उसकी दुहाई दी, परमेश्वर ने उनकी सुनी और उनको छुड़ाया, उनको पुनर्स्थापित किया। वो कहता है, परंतु मेरी प्रजा ने मेरी ना सुनी, इसराइल ने मुझको ना चाहा, इसलिए मैंने उनको उनके मन के हट पर छोड़ दिया कि वो अपनी ही युक्तियों के अनुसार चलें। वो कहता है, यदि मेरी प्रजा मेरी सुने, यदि इसराइल मेरे मार्गों पर चले, पहली बात वो बता दे रहा है कि मेरी प्रजा ने मेरी नहीं सुनी। ये लोग जो मेरे कहलाते हैं, अपने आप को मसीह कहते हैं, ये लोग मेरे रास्ते पर नहीं चलते। ये लोग जो हर इतवार इबादत करने चर्च में आते हैं, बड़ी बड़ी मीटिंग्स में जाते हैं, कन्वेंशंस में जाते हैं, ये मेरी नहीं सुनते। वचन एक कान से सुनते, दूसरे से उड़ा देते हैं। वो वचन इनके मन में ठहरता नहीं जो कि इनके जीवन में असर करे। अगर मेरे अजीजों ऐसा होता, बहुत सी मीटिंगें देखी हैं, कानपुर के लोगों ने, बहुत मसीही लोगों ने और दूसरे लोगों ने बहुत सी मीटिंगें अटेंड करी हैं, बड़े बड़े स्पीकर्स यहां पर आए जो प्रभु का वचन बोल के गए, सुना के गए, बहुत से अच्छे अच्छे गीत गाए गए। हम शायद सिर्फ म्यूजिक पर ध्यान देते हैं, बोल पर नहीं। ये सब हुआ है कानपुर में, लेकिन कितनी आत्माएं बची,
कितने लोग यीशु के पास आए, कितने लोग यीशु के पास आए, कितने लोगों का जीवन बदल गया। अगर ऐसा होता तो आज हमारी गवाही ऐसी नहीं होती जैसी है। लेकिन दूसरी तरफ परमेश्वर यह बात कहता है, यदि वो 13वें पद को शुरू करता है, यदि मेरी प्रजा मेरी सुने, फिर कहता है यदि इसराइल मेरे मार्गों पर चले। मैंने कुछ समय पहले परमेश्वर ने जो वचन मुझे दिया था वो मैंने आपको बताया कि हम जो जंगली जैतून के पेड़ हैं, पेड़ की डालियां हैं, वो अच्छे जैतून में सांटी गई, जिसकी जड़ यीशु मसीह है और अच्छी डालियां इसराइल है। तो हमें उसमें सांटा गया है ताकि मसीह, जिसके वजह से ये सब हुआ, उसका रस हमको मिल सके और हम इसराइल के साथ जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया, उनके साथ हम भी जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया, फल लाएं। यहां पर वो कहता है यदि इसराइल मेरे मार्गों पर चले, तो वो सिर्फ इसराइली लोग नहीं है, वो इसराइल देश के लोग ही नहीं है, हम जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम जो क्लेम करते हैं कि हम मसीह हैं, वो हमसे कह रहा है, वो हमसे कह रहा है यदि मेरे लोग मेरे मार्गों पर चले, तो मैं क्षण भर में उनके शत्रुओं को दबाऊं और अपना हाथ उनके द्रोहियों के विरुद्ध चलाऊं। अगर हम ऐसा करेंगे तो वो हमारे लिए लड़ेगा, वो हमारे लिए लड़ेगा। और आगे वो कहता है यहोवा के बैरी तो उसके वश में हो जाते और वे सदाकाल बने रहते हैं और वो उनको उत्तम से उत्तम गेहूं खिलाता और चट्टान के मधु से उनको तृप्त, वो कहता है तृप्त करूं और मैं चट्टान में के मधु से उनको तृप्त करूं। मतलब यह है कि वो उत्तम उत्तम वस्तुएं हमें खिला सकता है यदि हम उसके मार्ग पर चलें। हम ये मत सोचें कि वो सारी बातें इसराइलियों के लिए हैं, हमारे लिए नहीं है, पर इसलिए कि हम उसमें सांटे गए हैं, उसमें ग्राफ्ट किए गए हैं, उस अच्छे पेड़ में जिसकी जड़ यीशु मसीह है, तो मेरे अजीजों वो इसलिए कि हम और फल लाएं और वो उसी समय हो सकता है जब हम मसीह के रास्ते पर चलें, जब हम परमेश्वर के मार्ग पर चलें। आज आप कहां हैं ये एक बड़ा प्रश्न है। क्या आप अपनी मर्जी पर चल रहे हैं या आप परमेश्वर की इच्छा पर चल रहे हैं? आज आप कहां हैं? मेरे अजीजों, यह प्रश्न परमेश्वर मुझसे और आपसे आज सुबह पूछ रहा है। मैं और आप कहां हैं? क्या हम परमेश्वर के मार्ग पर चल रहे? क्या हमने सोचा है कि हम अपने बच्चों को और उनके बच्चों को हम एक अच्छी दुनिया दे सकें, एक आशीषमय दुनिया दे सकें? इंसान बनाया गया परमेश्वर के को प्रसन्न करने के लिए, उसके साथ संगति करने के लिए, उसको प्रसन्न करने के लिए, उससे प्रेम करने के लिए, और वो उसी समय हो सकता है जब हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें।
वो कहता है यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे और मैं पिता से विनती करूंगा कि वो तुम्हें एक सहायक दे, वो तुम्हें याद दिलाए, मेरे वचनों को याद दिलाए, मैंने जो कुछ कहा है उसको याद दिलाए और वचन में तुम्हें परिपक्व करे। सुलेमान आखिरी में कहता है सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ, क्योंकि उसने जान लिया था कि परमेश्वर से अलग होकर वो कुछ नहीं कर सकता, परमेश्वर से अलग होकर वो कुछ नहीं कर सकता। इसलिए वो कहता है सब व्यर्थ है, सही है तो सिर्फ परमेश्वर, सही है तो सिर्फ परमेश्वर का रास्ता, सही है तो सिर्फ परमेश्वर के पीछे चलना, वही सही। मेरे अजीजों, क्या आप परमेश्वर के मार्ग पर चल रहे हैं? क्या आप परमेश्वर की इच्छा पूरी कर रहे हैं या अपनी इच्छा पूरी कर रहे हैं? अक्सर होता यह है कि हम परमेश्वर की इच्छा तो बाद में सोचते हैं उसके बारे में, पहले अपनी इच्छा पूरी करते हैं और यह चाहते हैं कि परमेश्वर यह हमारी इच्छा है तू हमें आशीष दे, हमारी इच्छा के मुताबिक हम चल सकें, हमारी इच्छा के मुताबिक चीजें हो, हमारी इच्छा के मुताबिक हमारे लिए सब काम हो। तेरी इच्छा थोड़ी देर के लिए ठहर जा प्रभु, पहले हमारी इच्छा पूरी हो जाए उसके बाद तेरी इच्छा। क्या आप ऐसा कर रहे हैं? क्या आप ऐसा कर रहे हैं या आप परमेश्वर की इच्छा पर चल रहे हैं? सबसे पहले उसकी इच्छा जानने की कोशिश करते हैं कि प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन में क्या है, मैं तेरी इच्छा पर चलूंगा और वो आशीष देगा। क्या आप ऐसा करेंगे? हम प्रार्थना करें। हम धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु तेरे वचन के लिए और इस बात को बताने और सिखाने के लिए कि इस संकट के समय में भी हम तेरी इच्छा पर चलें, तेरी मर्जी को पूरा करें। हम धन्यवाद देते हैं तेरे उन सेवकों के लिए जिनके मार्फत तूने ये वचन हम तक पहुंचाया है और विनती करते हैं प्यारे प्रभु कि तू अपने इन लोगों पर दया कर, अपनी आत्मा से भर ताकि ये तेरी इच्छा पूरी करें, हम सब मिलकर तेरी इच्छा पूरी करें, अपनी इच्छा पर नहीं चलें पर तेरी इच्छा को जानते हुए उस पर चलते रहें। तू हमारी सहायता कर। हम विनती करते हैं प्यारे प्रभु इस कोरोना वायरस से तू हमें बचा, अपनी महिमा का कारण तू हमें बना और होने दे पिता कि हम अपनी मर्जी नहीं पर तेरी मर्जी पूरी करें। मसीह यीशु के नाम में आमीन। आप जिन्होंने अपना चर्च का चंदा नहीं दिया है उसे आप दे दें। सिसिल विलियम साहब को आप फोन कर लें कि कब आप अवेलेबल रहेंगे, आप उस समय उनको बुला लें और अपना ये चंदा उन्हें दे दें। इतवार का जो चंदा है आप दान जरूर लें और उसके बाद उसे अपने पास रखें। जब आप इस तरफ आते हैं सिविल लाइंस की तरफ, आप चर्च आकर उसे दान पेटी में डाल सकते हैं या फिर जब भी चर्च खुलता है आप उसे दान की थैली में डाल सकते हैं। अब इस समय हम गीत गाएंगे, गीत नंबर 311, और जिस समय यह गीत गाया जाता है अपनी भेंटें हम प्रभु के चरणों पर लाएंगे, दान लिया जाएगा। गीत नंबर 311 हम खड़े होकर गाएंगे। तेरा हूँ
इस दान के लिए प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, तू जो सारी अच्छी आशीषों का दाता है, हम अपनी कमाई का एक छोटा सा अंश तेरे सामने लाए हैं। विनती किया चाहते हैं कि तू हमें और इसे कबूल कर, ताकि प्यारे प्रभु इन सब के द्वारा तेरे राज की सीमाएं बढ़ाई जाएं, तेरा सुसमाचार फैलाया जाए और तेरे भवन की सेवा टहल हो। तू हमें और इसे कबूल कर, मसीह यीशु के नाम में आमीन। हम सब प्रभु की प्रार्थना में सम्मिलित हों। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तुम्हारे कसूरों को माफ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे है। आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफाकत और शराकत हम सभी ईमानदारों के साथ ज
जब तक मसीह ना आए होती रहे। आमीन।